इस भीषण गर्मी में जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन स्थिति विकराल होती जा रही है। पेयजल आपूर्ति बाधित होने से नाराज लोगों ने आज जुगसलाई नगर परिषद का घेराव किया। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को इन दिनों पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्थिति दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। वहीं पानी की आपूर्ति बाधित होने से स्थानीय लोगों ने जुगसलाई नगर परिषद के समक्ष प्रदर्शन किया। विगत 2 माह से जमशेदपुर के जुगसलाई साफरीगंज मोहल्ले में सप्लाई पानी की आपूर्ति नहीं होने पर कई बार स्थानीय लोगों ने जुगसलाई नगर पालिका समक्ष प्रदर्शन किया, जहां आनंद फानन में पेयजल विभाग द्वारा समस्या के समाधान के तौर पर RP पटेल स्कूल रोड स्थित पाइपलाइन में बल्ब लगाकर सफगंज मोहल्ले में जलापूर्ति की जा रही है, जिससे सफगंज मोहल्ले के लोगों की परेशानी कुछ हद तक दूर हुई, पर RP पटेल स्कूल रोड के लोगों की समस्याएं और बढ़ गई है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में RP पटेल स्कूल रोड छपरिया मोहल्ला के लोगों ने जुगसलाई नगर परिषद का घेराव करते हुए जुगसलाई नगर परिषद पेयजल विभाग और बिजली विभाग पर निशाना साधा। विगत 2 महीने से सफीगंज मोहल्ला में जलापूर्ति बाधित है। विभाग के द्वारा अनेकों जगह गड्ढे कोड़कर मतलब लीपा पोती किया गया। अब तक जांच में पता नहीं चल पाया कि क्या गलती है, किसकी वजह से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। आनंद फानन में विभाग अपने आप को बचाते हुए छपरिया मोहल्ला काली मंदिर के पास जो लगभग 400 घरों को डाउन पांडा मोहल्ला की ओर पानी आपूर्ति होती है, वहाँ एक बल्ब लगा दिया गया। ना तो सफीगंज मोहल्ला में जलापूर्ति हो रही है, ना ही पांडे मोहल्ला के 400 घरों में। उधर सीताराम डेरा में संयुक्त श्रम कार्यालय का निर्माण कार्य होना है, पर बस्ती वासियों ने निर्माण स्थल को सार्वजनिक करार देते हुए निर्माण स्थल बदलने की मांग उठाई है। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में बन रहे संयुक्त श्रम कार्यालय निर्माण स्थल का विरोध बस्ती वासियों ने शुरू कर दिया है। इसको लेकर उन्होंने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि वे विकास के बाधक नहीं है, लेकिन उक्त निर्माण स्थान के लिए जिस स्थान का चयन किया गया है वो वर्षों से सार्वजनिक रहा है। उक्त खाली मैदान में कई अनुष्ठान संपन्न होते हैं, बुजुर्ग से लेकर बच्चे मैदान का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए करते हैं। ऐसे में उस स्थान में निर्माण कार्य उचित नहीं है। आज देखिए बात है कि सीताराम डेरा से हम लोग सबको आए हैं। सीताराम डेरा एक बहुत बड़ा एक एरिया होता है, उसके बीच में एक कुआं मैदान है जो कि DLC ऑफिस के बगल में एक कुआं मैदान है। तो जिस मैदान में DLC के माध्यम से एक वहां पे भवन निर्माण का बहुत बड़ा काम हो रहा है जो करीब 1 हफ्ते से चल रहा है, तो हम लोग ने उनको मना किया कि ये नहीं होना चाहिए। तो फिर हम लोग ने पेपर के माध्यम से कल हमने DLC साहब को भी एक लेटर दिया कि ये भवन निर्माण का काम आप इस मैदान पर नहीं कर सकते हैं, और एक थाने में भी हम लोग ने सूचित किया कि इसका काम यहाँ बंद कराए, तत्कालीन बंद कराइए, क्योंकि उस वो एक इतने बड़ी बस्ती में एकमात्र ऐसा मैदान है जहाँ पे वहाँ के बच्चे खेलते हैं, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है, काली पूजा, अपना गणेश पूजा, और वहाँ पे जो क्रिश्चियन बस्ती है बगल में वहाँ वो लोग क्रिसमस और न्यू ईयर का काम जो है एथलेटिक्स वगैरह सब कराती है। एग्रीको में जमशेदपुर हेल्थ अवेयरनेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित समर कैंप में आज भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो पहुंचे और आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर हैट्रिक जीत दर्ज करने के इरादे से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने जनसंपर्क अभियान में पूरा जोर लगा दिया है। हालांकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा समय बिता रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, मगर शहरी क्षेत्र में भी उनकी उपस्थिति लगातार देखी जा रही है। इधर एग्रीको में आयोजित समर कैंप में भी बतौर मुख्य अतिथि वे पहुंचे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। जमशेदपुर लोकसभा सीट में जीत किसकी होगी ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि शुरुआत में ये माना जा रहा था कि विद्युत की जीत पक्की है, मगर हेमंत सोरेन को जेल चले जाने के बाद समीकरण काफ़ी बदल गया है, और ख़ासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और आदिवासियों ने इसे नाक की लड़ाई मान ली है। अभियान में निकले हैं आज, बताएं आज मॉर्निंग वॉक के दरमियान लोगों से जुड़ा हमारे पार्टी का देखिए मंडल के अध्यक्ष है, संत
संतोष ठाकुर जी, बड़े भाई भूपेंद्र भाई भूपेंद्र यादव जी, उपाध्यक्ष जिला और पूरा टीम, हम लोग जनसंपर्क अभियान में लगे ताकि हेल्थ के लिए लगभग यहाँ 450 बच्चे हैं, 500 परिवार के भी सदस्य हैं इसमें डोर टू डोर। तो हम लोग इवनिंग में कल किए हैं, अभी मॉर्निंग में भी लोगों से संपर्क साधने के एक अच्छे अवसर है। लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। उधर गायत्री शिक्षा निकेतन में 10th बोर्ड परीक्षा का परिणाम 100% रहा। यह सभी छात्र एवं छात्राएं उत्तीर्ण हुए, जिनमें रक्षा साहू ने 96.8 अंक अर्जित कर स्कूल टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया। गायत्री शिक्षा निकेतन आदित्यपुर के कुल 230 बच्चों ने CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में भाग लिया। इसमें सभी 230 बच्चे सफल हुए। रक्षा साहू ने 96.8% अंक प्राप्त कर विद्यालय का प्रथम टॉपर, मयंक पाणी ने 93.8% अंक प्राप्त कर द्वितीय टॉपर एवं अभिषेक ज्योतिषी ने 91% अंक प्राप्त कर तृतीय टॉपर बनकर विद्यालय को गौरवान्वित किया। विद्यालय के तीनों टॉपर आगे चलकर साइंस की पढ़ाई कर कुशल इंजीनियर बनकर समाज सेवा करना चाहते हैं। वे अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं शिक्षकों को देते हैं। 100% सफलता के लिए विद्यालय के चेयरमैन इंजीनियर सत्यप्रकाश सुधांशु ने सभी सफल छात्रों एवं कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। हमने हमारे यहां से 178 बच्चे परीक्षा में भाग लिए और विद्यालय का हाईएस्ट रिजल्ट 97% है और हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे आसपास में जितने विद्यालय हैं उससे मेरा रिजल्ट बेहतर है। समाज हमारे विद्यालय के सचिव महोदय इंजीनियर सत्यप्रकाश सुधांशु जी, विद्यालय की चेयरमैन श्रीमती गायत्री देवी, इस रिजल्ट से काफ़ी प्रफुल्लित हैं। प्रिंसिपल गायत्री शिक्षा निकेतन। गायत्री शिक्षा निकेतन में इस वर्ष क्लास 10 और 12 दोनों में बच्चे काफ़ी अच्छा रिजल्ट किए हैं। क्लास 12 में 97% हाईएस्ट गया है, जो कि बहुत अच्छा है बच्चों में। इसमें हमारे टीचर्स, जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाएँ, उनका काफ़ी योगदान है। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एंड वी वांट कि वो किसी तरीके से अच्छा परफॉर्म नेक्स्ट ईयर भी करें। सोनारी में आर्टेक्स आर्ट क्रिएशन की ओर से ऑर्किड रेसिडेंसी में 4 दिवसीय समर कैंप का समापन हुआ। इस अवसर पर जाने माने समाज सेवी एवं प्रधानाध्यापक अरविंद तिवारी और मनोरमा देवी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आर्टेक्स आर्ट क्रिएशंस शिवम शिल्प कला केंद्र के अंतर्गत सोनारी स्थित ऑर्किड अपार्टमेंट के क्लब हाउस में 4 दिनों के समर कैंप का समापन आज मुख्य अतिथि एनजीओ युवा के फाउंडर समाज सेवी सह शिक्षक अरविंद तिवारी जी, मनोरमा देवी, सीमा सरकार की गरिमा मई उपस्थिति में हुआ। आर्टेक्स क्रिएशन के संचालिका सह समाज सेविका मधु सिंह ने बताया कि बच्चों ने इन 4 दिनों में मस्ती के साथ कलात्मक वस्तुओं का निर्माण सीखा, खेलकूद योगा का आनंद भी लिया, अच्छे आचरण के बारे में सीखा एवं पर्यावरण आदि की जानकारी भी ली। आज अंतिम दिन सुमित डेलाइट की संगीता कुमारी ने बच्चों को चॉकलेट केक लाइव बनाकर सिखाया और बच्चों में वितरित भी किया। गर्मी की तपिश से राहत और छुट्टियों को और रोमांचक बनाने के लिए ये बच्चों को एक उपहार स्वरूप था। विभिन्न कैटेगरी में बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। जो कि मधुमाती ने खुद बनाया है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारे समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी। पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071 9031612032 सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।